20 to 30 minutes. The theme will be on Swachhata Cleanliness Drive, garbage cleaning. We welcome you all. Please come. हमारी एक खैनी लगाइए अजी, ये लीजिए
आपकी चैनी खैनी। अरे हमें भूल गए क्या चरण जी साहब? अरे आपको कैसे भूल सकते हैं भैया, आपका इतना उधार जो बाकी है। अरे कहाँ सुबह सुबह उधार की बातें लेकर बैठ गए। चलिए निकालिए जरा हमारा ऊंचे लोग ऊंची पसंद। अजी ये लीजिए आपका ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ठंडा पसंद। चौरसिया जी की बातें और उनका पान एकदम हॉलीवुड। और शर्मा जी का हेयर स्टाइल और इनका उधार बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल। अरे चौरसिया साहब ये 500 खाई लिए, अब ये छूके कहाँ? ओए यार छूको। ए तनी रुकिए रुकिए रुकिए, हमारा दुकान है उधर, क्लीननेस की जमाना चल रहा है ना भैया, अपनाना पड़ता है। चलो घूम रहे। अरे घूम तो भारत माता की जय। पिचकारी सड़क पे तूने मारी तो साफ सुथरी सड़क खराब हो गई। एक तेरा गुटका जो तूने खाए दूंगा तो लाखों रुपए की बर्बादी हो गई। हाँ लाखों रुपए की बर्बादी हो गई। हाँ लाखों रुपए की बर्बादी हो गई। पान गुटका प्लास्टिक की बोतल सिगरेट के डब्बे हम लोग ऐसी सड़कों पर फेंक देते हैं क्या? जिन मोहल्ले में हम रहते हैं उसकी सफाई की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? जिन सड़कों से हम रोज गुजरते हैं क्या उसकी सफाई की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? जब गंदगी फैलाते हम हैं तो फिर क्यों उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा आएगा और उसे साफ करेगा? खेलना नहीं आता क्या? हमने साल बदलने पड़ेंगे। तू बढ़िया इस पाएगा तेरा मुंह ही ऐसा। अरे अरे इतना दूर जाएगी डस्ट में चिंगम फेंकने? ये बेंच है ना, इस पे त्रिशा ने एकदम चौकस बनेगी। और क्या चिपार चिपार चिपका चल चले अपने घर चले चल चले अपने घर चले। आप बहुत थक गए होंगे, थोड़ा बेंच पर बैठ जाइए। थोड़ा आराम कर लेता। अरे घूमर की फन वाली चिकम चिकम। तो भाई साहब ये हाँ लगाने की जगह है? हाँ लगाने की जगह। अच्छा भाई साहब। हाँ जी। बहुत देर से देख रहा हूँ मैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो बोतल यही फेंक दी, चिप्स खा रहे हो पैकेट यही फेंक दिया, क्या कर क्या रहे हो ये? भाई साहब लड़क के तुम्हारे बात की है? भाई साहब मेरे बाप की तो नहीं है, क्या आपके बाप की है? नहीं मेरे बाप की है, आपको कोई दिक्कत है? तो जनाब अपने बाप की सड़क को क्यों गंदा करते हो? अरे ओ एक हफ्ते में ना सारा सोशल एक्टिविज्म निकल जाएगा, निकलने यहाँ से। आज आपकी शर्ट बहुत चमक रही है। मैंने खुद डिटर्जेंट से धोई है। आज मेरी ऑफिस में मीटिंग है, देखना कैसे बॉस मुझे प्रमोशन देता है, प्रमोशन देता है। अरे मेरी बात शर्ट चमक रही है, आप नहीं। हाँ हाँ तो मैं भी शर्ट की बात ही कर रहा था। अच्छी सुनते हो। आज क्या हुआ भाग्यवान? आज कूड़े वाली गाड़ी नहीं आई है। अरे कूड़े वाली गाड़ी आ तो गई, तुम कहाँ चल दी? अब कूड़े वाली गाड़ी आई है तो कूड़ा फेंकने जा रही हूं। अरे भाग्यवान तुम भी कमाल करती हो, जब तक नीचे जाओगी गाड़ी आगे निकल जाएगी। एक काम करो यहीं से फेंक दो। यहीं से? हाँ इधर आओ, मैं बताता हूँ। अरे आओ मैं बताता हूँ कैसे फेंकना है। चल चल तीन फेंक दिया। दिख नहीं रहा तेरे को? कहीं भी कोई बैग रॉबरी पुलिस चार्ज कहाँ कर दियो? ऑफिस जा रहा था मैं। बेटा मैंने नहीं, वो नीचे के फ्लोर वाले ने किया। हाँ नीचे के फ्लोर वाले, हम ही रहते हैं नीचे के फ्लोर पे। हम लोग अपने घरों से गंदगी निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, जिससे पैदा होती है मच्छर और ना इलाज बीमारियां। बरसात के नाम से दिल्ली जैसे महानगर के लोग भी डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं। सड़कों पर जाम लग जाता है, नालियां ब्लॉक हो जाती है, सड़कें तालाब बन जाती है। अगर हम बदलाव चाहते हैं
तो सबसे पहली शुरुआत हमें अपनी दूषित मानसिकता को बदलने के साथ करनी होगी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का चंदा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। अरे कहाँ जा रहे हैं? मम्मी क्रिकेट खेलने जाने, जाने दो ना। मैंने क्रिकेट खेलने का तो मैंने कूड़ा फेंक करा। हाँ मैं फेंक दूंगा। कहाँ पे? पास वाले कूड़ेदान में। अबे यार चीटर आदमी यार, हर बार आउट होने का ऐसी हरकतें कर रहा है। हर रोज का नाटक है ये। क्या हुआ? छोटू की तबीयत खराब है। अब यार तुम इसके भाई हो, क्या साथ हो गया? चल यार, नहीं खेल रहा यार, भाई इसके साथ नहीं खेल रहा। चल मम्मी। हां मम्मी, क्या हुआ? देख रहा छोटू को क्या हो गया? क्या हुआ तुझे? सब कर रहा है। तुझे डॉक्टर को बुला के ला। डॉक्टर साहब देख लो मेरे भाई को क्या हो गया। डॉक्टर साहब देखिए ना, डॉक्टर साहब से हुआ क्या? तो आपके बेटे को जॉन्डिस यानी पीलिया हो गया है। ये कैसे होता? ये गंदे पानी और दूषित वातावरण की वजह से होता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ दवाइयां आपको ली देता हूँ, समय समय पर देते रहिए, ठीक हो जाए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि पूरा फेंकने बाहर मत फेंका कर, बाहर मत फेंका कर, लेकिन तुम मानती नहीं हो। अब देखो बीमार हो गया कि नहीं। मम्मी देख रहा, छोटू आंखें नहीं खोल रहा। हजारों लोग हर साल गंदगी से पैदा हुई बीमारियों की वजह से मारे जाते हैं, और दूसरी तरफ वो बच्चे जो हमारे घरों से निकली गंदगी से कूड़ा फीन फीन कर अपनी जिंदगी चलाते हैं और लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाते हैं। क्या जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उसकी सफाई की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? जिन सड़कों से हम गुजरते हैं, जिन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी सफाई की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? जिस पार्किंग लॉट में हम अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, क्या उसकी सफाई की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? घरों में सफाई की जिम्मेदारी से औरतों के लिए मर्द आगे बढ़कर क्यों नहीं हिस्सेदारी दिखा सकते? और फिर से हम लोग सफाई कर्मचारी पर निर्भर रहते हैं। जब गंदगी फैलाते हम हैं तो हम ये क्यों उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा आएगा और उसे साफ करेगा? हम खुद आगे बढ़ के शुरुआत क्यों नहीं करते? अगर हम चाहते हैं कि हमारे आस पास साफ सफाई रहे, तो उसकी सबसे पहली शुरुआत हमें अपनी दूसरी मानसिकता से करनी होगी। पहले उसे साफ करना होगा, तभी बनेगा ये साफ सुथरा समाज। तो अपनी आदतों को चेंज करो। उड़िया आपने कभी छोटे से बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखा? देखा होगा ना? आपने वो बैट ना होते हुए कपड़े धोने वाले सोटे से अपने बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा? आपने जरूर देखा होगा, देखा था। आप तो खेले होंगे, बिल्कुल आप ही से खेला होगा। मेरा छोटा सा भांजा रोज सेकंड क्लास में था और रोज मम्मी से बोलता था, अपनी सिस्टर से, मेरी छोटी बहन से, मम्मा स्कूल से आ गया हूँ, चाहे एग्जाम चल रहे हो चाहे कुछ भी चल रहा हो, माँ स्कूल से आ गया हूँ, मुझे मेरा बैट दे दो, मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए। माँ ने एक दिन, दीदी ने एक दिन कहा कि बच्चे तेरा बैट वो टूट गया तो आज खेलने नहीं जाएगा, क्योंकि उनको डर लगता था।
पार्क में जाएगा, इतना साफ सुथरा है नहीं। और अगर कुछ हो हवा गया, किसी मच्छर ने काट लिया, तो वैसे इतनी बीमारियां आती जा रही हैं, उसका होगा क्या? लेकिन वो राहुल ने सुना ही नहीं। उसने तो कहा मम्मी वो कपड़े धोने वाला बैट दे दो और मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलूंगा। उस दिन गया खेलने के लिए, उसने खूब छक्के चौके मारे और बोल्ड होकर घर वापस आया। लेकिन इस बार वो ऐसा बोल्ड हुआ कि 6 महीने तक वो बेड से उठ नहीं पाया। क्लास सेकंड का बच्चा जिसकी कॉस्को बॉल, जिसका स्कूल बैग, जिसके छोटे छोटे पेंसिल बॉक्स, पेंसिल पेन, रबर शॉर्पनर, सब कुछ उसके स्कूल बैग में आज भी वैसी की वैसी है। लेकिन उसे लिखने वाला, उस रबर से सारी चीजों को बचाने वाला, उस कपड़े धोने वाली थापी से खेलने वाला अब हमारे साथ था ही नहीं। अभी थोड़े दिन पहले एक बीमारी आई थी, कोई कहता दिमागी बुखार आ गया, कोई कहता है ये वाला बुखार आ गया, कोई कहता है वो वाला बुखार आ गया। लेकिन हमें तो तब जाकर पता चला जब हम अपने बच्चे को एक हॉस्पिटल में लेकर गए और पता चला कि वहां पर उसी दिमागी बुखार की वजह से सिर्फ गंदगी में खेलने की वजह से और अपने आसपास का वातावरण गंदा रखने की वजह से हम एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल हम घूमते गए। और आप बिलीव नहीं करोगे, अभी आपने कूड़ा फेंकने वाला सीन देखा हो, वो मेरे घर का सीन है जिसके अंदर वाइफ अपने हस्बैंड को कूड़ा फेंकने के लिए पार्क में छत से दूर गई। वो बच्चा वहीं खेलने गया, उसे मच्छर ने काटा और वो हमारे साथ हो गया। किसी को खोने का दर्द क्या होता है वो मैं आपके सामने बता सकता हूं। उसी दिन से हमने तय किया कि कुछ भी हो जाए, चाहे अपना ऑफिस हो, चाहे अपनी क्लासरूम हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पार्क हो, चाहे कोई भी पब्लिक प्लेस हो, मैं तो जिंदगी भर अपने आसपास गंदगी किसी को फैलाने नहीं दूंगा। और अगर मुझे कोई गंदगी फैलाता हुआ दिखता भी है तो मैं सीधे उससे जाकर बात करूंगा कि दोस्त सर कॉल करिए, अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी कोई है जो घर पर तुम्हारा इंतजार, अभी कोई है जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा ख्याल रखना चाहता है, अभी है जो तुमसे रिश्ते बनाना चाहता है, अभी कोई है जो तुम्हारी जिंदगी में पकड़ा दियो ना मुझे, ये स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक रेफर फेंकने से भी कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है, इसके बारे में अगर हमने आज नहीं सोचा, आने वाली ना जाने कितनी जनरेशन को ऐसे ही अपनों को छोड़ना पड़ेगा और हम हाथ में हाथ धरे देकर बैठे। रीढ़ को सीधा करो, आंख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोलना करो, आदतों को चेंज करो, गंदगी मत फेंका करो, अपनी मानसिकता को बदलो, खुद से तुम शुरुआत करो, आदतों को चेंज करो, गंदगी मत फेंका करो, अपनी मानसिकता को बदलो, खुद से तुम शुरुआत करो, गंदगी घर में, गंदगी दफ्तर में, गंदगी मोहल्ले में, गंदगी हमारी वजह से है, गंदगी को साफ करो, सफाई हमारे बेहतर बनो, देश मत फेंका करो, पूरे तोड़ी से करो, आदतों को चेंज करो, गंदगी मत फेंका
की बैटरी बदल लो। नमस्कार साथियों, देख ही रहा है काम है ये नाटक के बारे में। मैं बस आपसे 5 मिनट और बात करना चाहता हूँ। उससे पहले मुझे लगता है कि हम यहाँ पर करीब 20 से 25 एक्टर हैं और हम इस नाटक को कोशिश करते हैं दिल्ली के हर एक कोने में एक दिन में कम से कम 10 से 15 परफॉर्मेंसेस करने के लिए। ये नाटक अस्मिता थिएटर ग्रुप का है और इस नाटक को लिखा और इस नाटक का निर्देशन किया है श्री अरविंद गौड़ सर ने। नाटक में बहुत सारी बातें कही गई हैं और हम सबको पता है हम मिलकर इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज का रिलेशन बहुत छोटी छोटी चीज से है। मैं आपके सामने भी बोल तो रहा हूँ लेकिन कभी कभी नाटक जिंदगी बन जाता है और कभी कभी जिंदगी नाटक बन जाती है। मैं आज भी आपके सामने बोल रहा हूँ लेकिन ये खबरें हमें पढ़ी हैं, ये खबरें हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं और पढ़कर ना जाने भूल तो नहीं रहे, काम करने की उस पर कोशिश हम जरूर कर रहे हैं। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, आज सुबह भी हम लोगों ने एक नाटक 2 स्कूल में 1500 बच्चों के सामने प्रस्तुत किया है कि उनके माँ बाप के सिखाने से पहले, उनके टीचर्स के सिखाने से पहले जो काम आप लोगों ने आज यहाँ पर इस ज़मीन पर किया है, मैं आपको दिल से कहता हूँ कि ये आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी और आने वाले अगले 15 दिन में ना जाने आपके साथ मिलकर भी हम लोग और कितना काम कर सकते हैं। आज आपने ही नाटक देखना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर जो बातचीत है आप लोग अपने अपने विभाग पर आगे करें सो दैट हम इस नाटक को और आगे तक ले जा पाएँ। नाटक यहाँ ख़त्म नहीं होता, यहाँ से शुरू होता है, हो सकता है नाटक की एक भी बात आप में से किसी को याद ना रहे, लेकिन अभी हमारे पास 2 मिनट और है और उसमें आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं। कभी कभी भीड़ में बोलने में थोड़ा डर लगता है लेकिन मुझे पता है कि जब मुद्दे इतने स्ट्रांग होते हैं और अगर ऐसी टीम खड़ी हो जाए, एक बार पहले मैं अपनी टीम से आपके लिए ताली बजाना चाहता हूँ, अगर ऐसी टीम खड़ी हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी अभियान को उस मंजिल तक पहुँचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हर एज ग्रुप एक साथ खड़ा हुआ। जैसे सर कह रहे थे कि सिर्फ एक पटेल चेस इंस्टीट्यूट, वो जो बेस है, वो जो नाम है, और मुझे सिर्फ नाम लेने की बात देर है और मैं अगर कहूँ कि ये पटेल चेस इंस्टीट्यूट पूरे का पूरा यहाँ पर खड़े होते हैं, एक ही मुझे अपने मंजिल पर पहुँचने के लिए काम कर रहे हैं। आपको कोई भी शक्ति शेयर करना चाहते हैं हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि नाटक आज यहाँ पर हो रहा है, ये नाटक पूरे दिल्ली और पूरे भारत के कोने कोने में होगा। अभी आने वाले दिनों में आपकी बात आगे पहुंचा पाए वो एक करना था। प्लीज प्लीज सर, डायरेक्टर साहब बस बॉम्बे में हैं, बॉम्बे में भी हमारे 3 नाटक हैं, वो आपसे ज़रूर मिलेंगे अगली बार भी आके। और जी कोई भी कुछ कहना चाहते हैं नाटक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में? ठीक है, नाटक बहुत अच्छा था, ठीक है, और नाटक कोई बात नहीं, मेरा फ्रेंड था, मेरा नाटक होता है। जी जी जी, तो इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव, बट ये देखा कि हर बात में थोड़ा सा रिकॉर्ड है बाद में नहीं करें। जी तो एक बार हम किसी को ऐसे समझा रहे थे कि ये वो गलत भाइयों बहनों, पिछली वीडियो में मैंने 125 करोड़ वासियों से कहा था इनके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, पर देखो क्या हुआ, मात्र 24 देशवासियों ने ही इनके चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत गलत बात है ये, 125 करोड़ वासियों में से मात्र 24 ने ही इनके चैनल को सब्सक्राइब किया है। अरे इनके चैनल में क्या दिक्कत है भाई, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, शेयर ज़रूरी है।
बिना शेर के कोई भी शेर नहीं है। धन्यवाद।